आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गिवन बाय एरविन चारगॉफ। एरविन चारगॉफ में ऐसा कौन सा रूल है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि नहीं है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ अगर हम बात करें सबसे पहले एरविन चारगॉफ की, यहाँ पर हम लिख लेते हैं साइंटिस्ट का नाम क्या है, एरविन चारगॉफ। ये जो साइंटिस्ट है एरविन चारगॉफ, ये एक अमेरिकन बायोकेमिस्ट थे। ओके, यहाँ पर हम लिख लेते हैं ये क्या थे, ये एक अमेरिकन बायोकेमिस्ट थे। और इन्होंने एक रूल दिया था और इस रूल को हम बोलते हैं चारगॉफ रूल। ओके, इस रूल को बोला जाता है क्या, चारगॉफ रूल। अब इनके रूल के अकॉर्डिंग बताया ये गया था कि डीएनए जो होती है ये एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। ओके, डीएनए क्या होती है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। डीएनए फॉर्म करती है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ऑल्सो यहाँ पर देखें तो इन्होंने बताया कि डीएनए में जो नंबर ऑफ गुआनिन होते हैं, ओके, नंबर ऑफ गुआनिन जिसको हम यहाँ जी से लिख दे रहे हैं, नंबर ऑफ गुआनिन यूनिट्स जो होते हैं ये हमेशा इक्वल रहेंगे नंबर ऑफ साइटोसिन यूनिट के। ओके, और इनका नेक्स्ट रूल ये था कि जो नंबर ऑफ एडेनिन यूनिट्स होंगे जिसे हम ए से लिख रहे हैं, ओके, ये नंबर ऑफ एडेनिन यूनिट्स हमेशा इक्वल रहेंगे नंबर ऑफ, ओके, नंबर ऑफ थायमिन यूनिट्स के। अब यहाँ पर देखें तो चारगॉफ ने यहाँ पर ये भी बताया था कि जो बेस कॉम्पोजिशन होता है डीएनए का, ओके, डीएनए में जो बेसिस पाए जाते हैं, जो नाइट्रोजिनस बेसिस पाए जाते हैं, इनका जो कॉम्पोजिशन होता है ये हमेशा क्या करेगा, वैरी करेगा। और ये वैरी करेगा हमेशा एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज तक। ओके, वन स्पीसीज टू अनदर, इसका जो बेस कॉम्पोजिशन है डीएनए का वो हमेशा वैरी करता रहेगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो इन्होंने ऑल्सो ये भी बताया था कि इनके जो बेस कॉम्पोजिशन होंगे डीएनए के ये कभी भी चेंज नहीं होंगे एज के साथ। ओके, तो ये क्या नहीं होंगे, चेंज नहीं होंगे एज के साथ, या फिर हम कह सकते हैं कि ये कभी भी चेंज नहीं होंगे न्यूट्रिशन से भी। ओके, न्यूट्रिशन से भी ये कभी चेंज नहीं होंगे, या फिर इन्वायरमेंट फैक्टर्स भी इस पर क्या नहीं डाल सकते, अफेक्ट नहीं डाल सकते। यानी एक बार जो बेस यहाँ पर फॉर्म हो गया वो कभी भी चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो इन्होंने ऑल्सो ये भी बताया था कि जो एडिनिन है वो हमेशा इक्वल होता है थाइमाइन के। एंड ऑल्सो इन्होंने बताया कि जो गुआनिन है ये हमेशा इक्वल होगा किससे, साइटोसिन से। अब यहाँ अगर हम अपने ऑप्शंस देखेंगे तो बेस कॉम्पोजिशन ऑफ डीएनए वेरीज फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर, ये राइट रूल है चारगॉफ के लिए। द बेस कॉम्पोजिशन ऑफ डीएनए डज नॉट चेंज विथ एज, न्यूट्रिशन और चेंज इन द एनवायरमेंट, ये भी राइट रूल है चारगॉफ रूल के लिए। मोलर अमाउंट्स ऑफ एडेनिन आर इक्वल टू द मोलर अमाउंट्स ऑफ थायमिन, ये भी राइट रूल है चारगॉफ रूल के लिए। लेकिन यहाँ पर डीएनए कैन ट्रांसक्राइब आरएनए, ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट किसका है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस का है। हम जानते हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में क्या होता है, डीएनए से फॉर्मेशन होता है किसका, आरएनए का। तो एरविन चारगॉफ ने ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के बारे में नहीं बताया था। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। बाकी के ऑप्शंस यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।